हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मी रितिका। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड आई वॉज सो मच हैप्पी जब मेरे समर वेकेशन का वो नोटिस आया कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और अब वैसे समर वेकेशन के लिए परेशान तो मैं बहुत रहती हूँ, बट कुछ मिलता ही नहीं यार करने के लिए। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी इस बार मैं 11th में गई तो अभी तक कुछ एडमिशन वगैरह मेरे स्कूल में नहीं हुआ है, मतलब उसका डेट ही नहीं है एडमिशन वगैरह का। तो मतलब अभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। ये समर वेकेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट जाने वाला है मेरे लिए, लेकिन पर नहीं वेस्ट नहीं जाने दूँगी। मेरे पास व्लॉगिंग है, मैं व्लॉगिंग करूँगी, आपको डेली व्लॉग दिखाऊँगी कि समर वेकेशन में मैं क्या कर रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ खास काम करती नहीं हूँ, बस मैं ऐवे ही पड़ी रहती हूँ बिस्तर पर, व्लॉगिंग करूँगी, मिनी व्लॉग्स बनाने होते हैं एंड गेट रेडी विथ मी बनाने होते हैं एंड फिर मुझे क्राफ्ट वगैरह सब करना होता है। यार काम बहुत ज़्यादा है, बट हाँ इस बार मैंने सोचा है कि इस समर वेकेशन में मैं मम्मी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी ना करते करते थक जाती है और मैं एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पे उठती ही नहीं हूँ, मतलब एक बिस्तर से दूसरी जगह पे जाती नहीं हूँ। मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ, कुछ भी मेरे मुँह से निकल जाता है व्लॉगिंग करते टाइम। तो अभी मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैं दिखाऊँ रुक जाए एक सेकेंड। तो ये देखो गाइज, मैंने आप सबको नहीं दिखाया था ना कि मेरी न्यू बुक्स आ गई, वो मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था जब मैं बुक लेने जा रही थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो मेरी सारी ह्यूमैनिटीज़ की बुक आ गई एंड मैंने इसे कवर भी कर लिया, क्योंकि कवर करने में ना बुक्स बहुत प्यारी प्यारी सी लगती है। और यार नई बुक है ना, तो इसके ऊपर थोड़ी सी दया भी आ जाती है कि ऐसे कैसे पढ़ूँ ख़राब ना हो जाए। तो ये देखो मैंने कवर कर लिया, ये मेरी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी की बुक है, ये अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बुक है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है। यार सब बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है अभी से देख देख के। और ये देखो, ये रे मेरी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, थीम्स वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये रही मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मीन्स पॉलिटिकल साइंस की बुक। तो ये रही मेरी सारी बुक्स एंड आई वाज सो मच हैप्पी। तो गाइज, आप सबको पता है मैंने समर वेकेशन में सोचा है कि मैं समर वेकेशंस में इन सारे बुक्स को पहले ही पढ़ लूँगी, ताकि टीचर्स अगर टीचर्स क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना, तो अलग ही मतलब खुशी मिलती है। टीचर्स क्वेश्चन करते तो पहले ही आंसर दे दो उसका, अगर कोई एक्स्ट्रा आवाज आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना, पार्ट बैठा है घर के बगल में, यार ये सब हमेशा होते रहते हैं। तो मैंने समर वेकेशन में ये मिशन बनाया है कि मैं ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाली हूँ एंड मैंने ये भी मिशन बनाया है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। हे भगवान, बस वो पूरा हो जाए। अभी तो मम्मी वैसे खाना खाने के लिए बुला रही है, जब देखो तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मम्मी खाना खाने के लिए बुलाने लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए एंड मैंने शाम में सबको कहा है ना गाइस कि मैं कॉफ़ी बना के देने वाली हूँ सबको, और आज मैं कॉफ़ी बनाऊँगी सबके लिए। एंड वॉट वॉज सबका एक्सप्रेशन, मुझे तो बस यही देखना है कि लोग मुझे देखें कि अरे आज ये किचन में। चलो कोई बात नहीं, मैं सबको शाम में कॉफ़ी बना के देने वाली हूँ एंड वैसे मुझे बहुत से काम है। चलो, पता है अभी फ्रिज में ना चॉकलेट रखा है, माजा रखा है, तो मेरे घर में ना कोई एक भी चीज़ आ जाती है तो मेरे एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता। एंड मैं आप सबको भी दिखाती हूँ चॉकलेट्स। वैसे भी पता है इसमें दो चॉकलेट्स रखी थी, एक देखो बस एक ही चॉकलेट बची है, ये वाली बची है। और ये रहा माजा, ये शाम में पियेंगे। आप सबको पता है कल तक वहाँ दो चॉकलेट्स थी, दो माजा के बॉटल्स थे, अब उसमें से बस एक चॉकलेट बची है, एक माजा के बॉटल बचे है। मतलब मैं इसमें क्या मानूँ कि कौन वो खा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। माजा तो वैसे मैंने ही पिया था, माजा मैंने पिया था हाफ एंड हाफ मैंने और दीदी ने। चॉकलेट्स लगता है दीदी का काम है। कोई बात नहीं, एक चॉकलेट मेरा, एक चॉकलेट दीदी का, तो उसने तो अपना खा लिया, अब मैं खाऊंगी। एंड अभी मैं शाम में सबको कॉफ़ी बना के देने वाली हूँ और मुझे सबका एक्सप्रेशन भी देखना है कि मेरे कॉफ़ी बनाने पे सबका क्या एक्सप्रेशन रहता है। Many hours later. तो गाइस अभी शाम का समय है और जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि शाम में मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ एंड सबका एक्सप्रेशन भी देखूंगी कि क्या क्या होता है, कि मैं किचन में जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। लोगों को बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि मैं जल्दी किचन में नहीं जाती कुछ बनाने के लिए। तो मैं इसलिए नहीं बना पा रही, मैं आप सबको नहीं दिखा पाई गाइस। जस्ट अभी मैं मम्मी के साथ मार्केट से आ रही हूँ, मैं मार्केट गई थी, मम्मी को अपना कुछ ईयरिंग वगैरह लेना था क्योंकि शायद मम्मी गाँव जा रही है। और गाइस मुझे आप सबको भी दिखाना था अपना गाँव, बट हमारी देखो कब प्लानिंग बनती है, कब हम आप सबको भी दिखा पाएंगे अपना गाँव। एंड यार विलेज लाइफ तो मैं बहुत मिस
कर रही हूँ, कोई बात नहीं, जब जाएंगे तब दिखाएंगे। अभी फिलहाल मम्मी जाने वाली है तो मम्मी को अपना सारा सामान वगैरह लेना था, भैया के लिए भी लेना था बहुत कुछ, तो बहुत कुछ तो नहीं मिला लेकिन पर भैया के लिए मम्मी ने टी शर्ट लिया एंड मम्मी ने अपने लिए इयरिंग ली है, तो वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत ही, लेकिन पर दिखाना तो बनता है ना क्योंकि आप सब भी तो हमारी फैमिली हो, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो चलो एक बार दीदी को भी मुझे दिखाना है कि हम और मम्मी क्या लेके आए, तो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। दीदी ये देखो, मैं और मम्मी अभी मार्केट से आ रहे हैं, ये लिए भैया के लिए टी शर्ट और ये मम्मी ने अपने लिए इयरिंग वगैरह लिया है, तो एक बार अच्छे से दिखाओ टी शर्ट। ये वाला देखो गाइज, ये वाला हमने लिया, ये ब्लैक कलर का, ये अच्छा लग रहा था, और ये एक ब्लू कलर का है, ये भी अच्छा लग रहा था। और गाइज ये देखो, मम्मी ने अपने लिए ये इयरिंग ली, बहुत प्यारी सी। मम्मी अच्छा दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी सी लग रही थी मेरे को। वाओ ब्यूटीफुल, ये देखो गाइस कितना प्यारा है, मम्मी के ऊपर भी अच्छा लगेगा, है ना मम्मी? हाँ। मम्मी वो पहन के ट्राई करो, पहनोगी? हाँ। पहनो। हाँ दिखो, मुझे भी देखना। तो गाइस जस्ट वेट वेट। और ये देखो गाइस, मम्मी ने अपने लिए हेयर पिन भी लिया, दीदी दे दो। ये देखो, ये मम्मी ने अपने लिए हेयर पिन लिया है। हाँ लाई हूँ, तुझे दे भी दी। गाइस ये देखो, मैंने इसके लिए ऑक्टेन पेन लाया, मैं इसे दे भी दी और बोल रही पेन लाई हूँ। मम्मी पहनी? मैंने कुछ खाने के लिए लाई हूँ ना, कुरकुरे। अच्छा पता है क्यों? क्योंकि देखो दीदी कोल्ड ड्रिंक रखा था, है ना, कोल्ड ड्रिंक रखा, तो मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने के लिए कुछ ले लेते हैं, तो बस मैंने वो भी ले लिया। और दीदी चॉकलेट्स भी रखे थे, तो चॉकलेट्स भी खाएंगे, ये तो ये देख। बंद कर दे यार आवाज़। ओफो हाँ यार, ये आवाज़ में डिस्टर्बेंस कर रहा है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, पेट दर्द सारा। मम्मी पहन ली? मस्त हवा चल रही है बाहर। वाओ ये मुझे हेयर पिन दीदी बहुत अच्छा लग रहा था आंटी के शॉप पे। ब्लैक का अच्छा लेते आऊंगी ना बाद में, पहन ली मम्मी। तो ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना, वाओ बहुत प्यारा है। पता है गाइस मम्मी को विलेज, मतलब मम्मी को गांव जाना है, विलेज कह रही हूँ, मम्मी को गांव जाना है, इसलिए मम्मी सारी अपनी अभी से तैयारियां कर रही है। तो ये देखो मम्मी ने ये वाली इयरिंग ली है, अब देखते हैं, अच्छी लग रही है। हाँ यार दीदी, हमें तो अपनी ब्लॉगिंग करनी थी, सबको दिखा पाते कि हमारा गांव कैसा है, है ना? फिर कभी। हाँ फिर कभी, वही मैं भी उस रूम में बोल के आ रही हूँ कि वी आर मिसिंग अवर गांव। शीशा रुक जाओ, मैं देखती हूँ। तो गाइज मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया एंड फाइनली अभी रिलीफ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। फ्रिज में देखती हूँ है भी या नहीं, कि वो भी कोई गायब कर दिया, और मैं भी कुरकुरे लाई थी तो वो भी खा लेती हूँ चल के। दीदी को भी एक बार बुला देती हूँ, पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, पूछते हैं चल के। तो ये देखो, ये मैं छोटे छोटे वाले कुरकुरे लाई थी एंड अभी, अरे ये लो, ये भी गिर गया। कोई भी काम मेरे से सही से नहीं होता। और ये देखो ये रहा माजा, दीदी इसमें बर्फ जम गया है, माजा में ये माजा में बर्फ जम गया है यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी करते हैं पार्टी, पार्टी छोटी सी वाली पार्टी। तो ये देखो गाइस इसमें बर्फ जम गया, अजीब सा हो गया है, अब मैं क्या करूँ इसका, ये हमारे साथ ही क्यों होता है, थोड़ी देर पड़ा रहेगा तब हम इसे देंगे। चलो तो मैंने बर्फीले वाले माजा को ऐसे निकाल दिया है और इधर कूलर भी चल रहा है। दीदी ये लो, बहुत बर्फीला टाइप हो गया है ये, आइस जम गया था उसमें, किसी तरह तो करते करते निकाली हूँ, बट अच्छा लग रहा है ना। चलो तो मैं भी पी लेती हूँ उसे, ये